बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आर्टिकल 6 कानून शहादत आर्डर 1984 कहता है कि एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ द स्टेट, अमूरे ममलकत की निस्बत जो है शहादत की, क्या एडमिसिबल है या इनएडमिसिबल है। आर्टिकल 6 कहता है कि किसी ऐसे शख्स को कोई शहादत देने की इजाज़त नहीं होगी जो अमूरे ममलकत से मुतल्लक गैर शाया शुदा सरकारी रिकॉर्ड से हासिल हुई हो, यानी वो पब्लिक ना की गई हो और ममलकत के अमूर के मुतल्लक हो, तो ऐसे अमर पर उस सरकारी ऑफिसर को या ऑफिशियल को अफेयर ऑफ द स्टेट की निस्बत कोई शहादत देने की इजाज़त नहीं होगी। आगे आर्टिकल 6 कहता है कि मां सवाए इस अफसर की इजाज़त के जो मुतल्लिका महकमा का आला अफसर हो, उसे इख्तियार हासिल है कि वो मुनासिब समझे तो इजाज़त दे दे शहादत देने की और मुनासिब समझे तो इजाज़त ना दे शहादत देने की। आर्टिकल 6 की एक्सप्लेनेशन में वाज तौर पर लिखा है कि इस आर्टिकल 6 कानून शहादत आर्डर 1984 के अंदर अमूरी ममलकत से मुराद सरकारी रिकॉर्ड के अंदर वफाकी या सूबाई या लोकल गवर्नमेंट की कायम करदा या उनके ज़ेर असर किसी किस्म की कोई छोटी छोटी आइनी हसीयत व नवीयत की कॉरपोरेशन कंपनियां, ख्वाह वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रेड से रिलेटेड हों, इंडस्ट्री से रिलेटेड हों, और उन कॉरपोरेशन उन कंपनी से मुतलका कोई भी डॉक्यूमेंट शामिल हों, ये अमूर ममलकत के अंदर ये तमाम बातें शामिल हैं। अब आर्टिकल 6 कानून शहादत आर्डर के अल्फाज मा सवाए, जो इसकी आगे जाके कहा जाता है मां सवाए, मतलका महकमा के सरबराह की को अथराइज करना के मतलका जो महकमा का आला अफसर है उसे इख्तियार होगा कि वो इस जिमन में जिस तरह मुनासिब समझे इजाजत दे या इजाजत ना दे। अब इस जिमन में अदालत इस बात की पाबंद है कि वो सरकारी सरबराह महकमा के फैसले को तस्लीम करेगी, क्योंकि वो शहादत जो है वो अमूरे ममलकत से मुतलका है और जो महकमा जिससे मुतलका अमूरे ममलकत थे और उसका जो आला अफसर है वो अगर ये समझता है कि इसको एविडेंस में सामने आना चाहिए देन ठीक है, अगर नहीं तो रोका जा सकता है और अदालत उसको तस्लीम करेगी उसकी बात को। और वो सरकारी दस्तावेजात जिनके ऊपर सीक्रेट का लफ्ज़ लिखा होगा उसे अदालत में पेश ना करने का ये जवाज़ हो सकता है कि इसका पेश किया जाना इन दस्तावेजात का पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। मसलन उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस में सामने ले आया जाए तो कौमी दिफा को नुकसान पहुंचने का खतरा होगा, आर्मी से मुतल्लिका जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पर सीक्रेट लिखा होता है, या सफारती तल्लकात के मतलका जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एविडेंस में सामने नहीं लाया जा सकता, उनके ऊपर सीक्रेट लिखा होगा और पब्लिक इंटरेस्ट का जो मामला है वो सामने आ जाता है। तो रियासत के मामलात का जो इंकशाफ है शहादत के अंदर वो किया भी जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता, और वो मामलात जिनको सीक्रेट या बरखलाफ़े पब्लिक इंटरेस्ट करार दिया गया हो उन मामलात को कती सूरत एविडेंस में पेश नहीं किया जा सकता। अगर उनका इलम हो जाए या पता चल जाए, अगर उनको जाहिर करने की ज़रूरत हो तो ऐसा करने के लिए जो मुतल्लिका महकमे का सरबराह है उसकी इजाज़त लेना ज़रूरी होती है, जो दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती, और अदालत इस बात की पाबंद है कि
کہ اس سرکاری محکمہ کا جو سربراہ ہے اس کے فیصلے کو تسلیم کرے گی۔ نیوکلئر پروگرام پاکستان کا، ایٹامک پروگرام، ایسی ایک معاملہ ہے امور مملکت سے متعلقہ، اور وہ شخص جو ان پبلشڈ معاملات سے واقف ہو اس کے بارے میں پبلک انٹرسٹ کے اگینسٹ یا حساس معاملہ ہونے کی وجہ پر گواہی دینے سے انکار کر سکتا ہے، اور اس کی انکاری کے باوجود محکمہ سربراہ اگر اس کو گواہی کے لیے اجازت دے دیتا ہے، اگر پھر بھی پبلک انٹرسٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو پھر عدالت جو ہے وہ مناسب رویہ اختیار کرے گی اور دیکھے گی کہ کیا ایویڈنس میں اگر یہ ڈاکومنٹ سامنے آ جاتا ہے تو پبلک انٹرسٹ انفرنج ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب عوام کی جو انٹرسٹ ہے، عوام کی جو بہبود ہے، وہ سب سے بڑا قانون ہے۔ پبلک انٹرسٹ ایک ایسا معاملہ ہے، تمام قوانین اسی کے گرد گھومتے ہیں، اور پبلک انٹرسٹ کی وجہ سے، پبلک انٹرسٹ کی بنا پہ جو ایویڈنس سامنے نہ لائی جائے، یہ ایک ایسا استحقاق ہے جو ایک علیحدہ پریویلشڈ قسم کا طبقہ تشکیل دیتا ہے، اور اس حیثیت سے وہ اس بات کا استحقاق رکھتا ہے کہ وہ چاہے تو پبلک انٹرسٹ کی پلی لے کے وہ شہادت میں کسی ڈاکومنٹ کو پیش نہ بھی کرے۔ اور یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان میں پی ایل ڈی 1992 سپریم کورٹ پیج 492 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب افیئرز آف دا اسٹیٹ کا جو لفظ ہے، امور مملکت کا، یہ صرف اور صرف دفاع یا سفارتی معاملات تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر وہ معاملہ جو کہ مصلحت عامہ کے خلاف ہے وہاں تک یہ اپروچ کرتا ہے، وہاں تک یہ پہنچتا ہے، اور ہر وہ چیز جو پبلک انٹرسٹ کے اگینسٹ ہے قانون اس پہ قدغن لگاتا ہے اس کی شہادت پیش کیے جانے پہ۔ اور یہ بات پی ایل ڈی 1992 سپریم کورٹ پیج 492 جو ہے وہ انٹرپریٹ کرتی ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو دستاویزات مملکت کو اکثر پیش کرنے سے جو قطعی استحقاق حاصل ہوتا ہے، جو پرویلیج ملتی ہے، اور جب یہ پرویلیج موجود ہو تو اس کا تحفظ کرنا، اگر جو محکمے کا سربراہ انکار کر دے، شہادت دینے کی اجازت نہیں دیتا، دین بھی اس کا تحفظ کرنا عدالت کا سب سے بڑا فرض ہے۔ اور یہ جو پرویلیج ہے یہ محدود ہوتی ہے اور اکثر شاذ و نادر ہی استعمال کی جاتی ہے۔ استحقاق کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ پبلک انٹرسٹ کے نقصان کے بغیر ان معلومات کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پبلک انٹرسٹ کا میٹر سامنے رکھا جائے گا کہ اگر ایسی دستاویزات اگر کیس میں سامنے آ جاتی ہیں تو پبلک انٹرسٹ سیکیورٹی کے اعتبار سے، سفارتی اعتبار سے، یا ملک کے اندر انتشار کے اعتبار سے جو ہے وہ معاملہ سامنے آ سکتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ دستاویزات خفیہ یا سرکاری ہیں، کیونکہ صرف یہ ان کو پیش نہ کرنے کے لیے کوئی جواز نہیں ہوگا، بلکہ پبلک انٹرسٹ کی بنا پر استحقاق کو جب کوئی افسر سامنے لاتا ہے بات کو کہ یہ اجازت نہیں دی جا سکتی اس دستاویز کو منظر عام پر ایک ایویڈنس میں لے کے آنے کی، کیونکہ اس سے پبلک انٹرسٹ جو ہے وہ متاثر ہوگا، تو دین پبلک انٹرسٹ کے فیکٹر کو دیکھا جائے گا کہ کیا واقعی ہی اس سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اور یہی بات کہ کسی خفیہ ڈاکومنٹ کو اگر سیکرٹ کہا گیا ہے تو اب کس بنا پہ اس کو سیکرٹ کہا گیا ہے، اور کیا اس کے ایکسپوز ہونے سے، ایویڈنس میں سامنے آنے سے پبلک انٹرسٹ کس حد تک متاثر ہوگا، اور کس حد تک استحقاق کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، یہ بات جو ہے انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے اس کے اندر۔ اور جب
दोनों फरीकैन ने शहादत पेश की हो तो बर्डन ऑफ प्रूफ का सवाल जो है बहुत ही गैर अहम सा हो जाता है, लेकिन ये सवाल इस वक्त बहुत अहम होता है जब कोई शहादत पेश ना की गई हो या दोनों जानब की जो शहादत है वो बराबर हो। देन जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसके ऊपर अगर रिलायंस करना है तो फिर ये देखा जाएगा कि क्या वो डॉक्यूमेंट अगर सामने आ जाता है तो किस हद तक पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो मुतासर होने का खदशा है। अब फाइल के अंदर मौजूद दस्तावेजात जिनके मतलब पेश ना करने की इस्तेहकाक का मुतालबा ना किया गया हो, करार दिया गया कि यह अदालत की सवाबदीद के ऊपर है कि वो उसको देखे कि क्या इस वाकई इसके एक्सपोज करने से उस डॉक्यूमेंट को पब्लिक इंटरेस्ट डैमेज होगा या नहीं होगा। अब आइन के आर्टिकल 248 की रू से वुजारा को अपने फ़राइज़ की अदायगी के सिलसिले में अदालत के रूबरू पेश होकर जवाबदही से इस्तस्ना करार दिया गया है, लेकिन इससे ये अमर मुतासर नहीं होता कि कौन इस अमर का मजाज है कि वो दस्तावेजात को पेश ना करने या उनके अंदर जो दस्तावेजात के अंदर लिखा गया है उसको जाहिर करने के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर सके। ये बात इंटरप्रेट हुई एक बहुत ही अहम केस ला जो हमने अभी डिस्कस कर रहे थे, PLD 1992 सुप्रीम कोर्ट पेज 492 के अंदर, और इस अमर के तहफ़्फ़ुज़ का मतालबा किया गया कि जो दस्तावेजात अदालत के अंदर पेश की गई हैं वो फरीके महालफ को जिसने अपनी डिटेंशन आर्डर के हुक्म को चैलेंज किया है ना दिखाई जाए। ऐसे तहफ़्फ़ुज़ का मतालबा कानून शहादत आर्डर आर्टिकल 6 के तहत जो है वो किया जा सकता है, और अदालत इस अमर की मजाज है कि वो दस्तावेजात का मुआयना करे और इस अमर का फैसला करे कि क्या ऐसी प्रिविलेज उन अफेयर ऑफ द स्टेट्स को उस डिटेंशन आर्डर के हवाले से दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। यह बात कराची हाई कोर्ट का एक फैसला जो रिपोर्ट हुआ PLD 1988 कराची हाई कोर्ट पेज है 18 के अंदर इसको इंटरप्रेट किया गया। उसके बाद अगर हम देखें कि आर्टिकल 6 के तहत कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको प्रिविलेज हासिल है, वो दस्तावेजात जो मजलिसे वुज़रा के अजलास की कार्रवाई के साथ शामिल होती हैं और वो मशवरा जो मजलिस वुज़रा लिख कर देती है और पब्लिक सर्विस कमीशन से अगर कोई राय ली जाती है, वो तमाम कार्रवाई जो है राय की वो दस्तावेजात जो हैं उनको आर्टिकल 6 के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उसके बाद महकमाना इंक्वायरी के अंदर उन पुलिस अफसरान के खिलाफ दिए गए गवाहान के बयानात जिनके ऊपर बाद में इन्हीं बयानात की बिना पर रिश्वत लेने का मुकदमा कायम किया गया वो इस्तेहकाकी दस्तावेजात नहीं है, और कंट्रोलर स्टेशनरी का खुफिया रिकॉर्ड जो है अगर अदालत में पेश करने के हवाले से सामने लाना मतलूब है तो उसको भी ये बात जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देती है। उसके किसी महकमे के सरबराह का फ़र्ज़ है कि वो दस्तावेज़ जिसका इस्तेहकाक करने का मुतालबा उसको चाहिए उसको बजात खुद वो मुलाहजा करे और उस बात का तायन वो खुद करे कि क्या इस डॉक्यूमेंट को शहादत में पेश किया जाना किस हद तक पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आया उस इस्तेहकाक जो है इसको ना पेश करने का उसका मुतालबा करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उसके बाद उसे उज़र पेश करने के लिए अदालत के रूबरू जो है वो पेश होना चाहिए और उसे अपने किसी मातहत को इस ऐसा करने के लिए भिजवा भी सकता है अगर वो चाहे तो, उसे अपना ज़ाती दस्तखती सर्टिफिकेट भी
इसके हमरा भेजना चाहिए कि भाई फलां अदालत में ये डॉक्यूमेंट मांगा गया है, आप ये सर्टिफिकेट ले जाएं कि ये अगर डॉक्यूमेंट एक्सपोज किया जाता है तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, और वो उसमें लिख के देगा कि बाकायदा तौर पर उस बंदे ने, उस आला अफसर ने उस तहरीर का, उस डॉक्यूमेंट का मुतालिया किया है, मुआयना किया है, और उसमें ये अमर पाया जाता है कि अगर इस डॉक्यूमेंट को एविडेंस में पेश किया गया देन पब्लिक इंटरेस्ट इन्फ्रिंज होगा, डिफेंस पॉलिसी के हिसाब से भी, फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से भी, या मुल्क के अंदर कोई इंतशार का खदशा हो सकता है। और अदालत अपने आप को मुतमाइन करने के लिए ये देखेगी कि क्या जो इस्तेहकाक का मुतालबा किया गया है एविडेंस के अंदर अमूर ममलकत के मतलब, क्या वो जायज़ है या नहीं। और सरबराह ममलकत जो है, सरबराह जो है महकमा का, वो अमूर ममलकत के मतलब का जो सर्टिफिकेट दे रहा है वो बयान हल्फी दाखिल करने या हलफ पर बयान कलम बंद कराने के लिए उसको ऑर्डर भी जारी कर सकती है कि बयान हल्फी भी दे दो इसका, या हल्फिया बयान आके अदालत में रिकॉर्ड करो, उस पर मज़ीद सवाल और जवाब भी कर सकती है, उससे जवाब ले सकती है और मुफ्ती। लेकिन अदालत को दस्तावेज़ के मुतालिया का हक नहीं है, क्यों? उस वक्त तक नहीं है जब तक वो इस बात को वाज़ नहीं हो जाता कि किस हद तक पब्लिक इंटरेस्ट इन्फ्रिंज होगा, क्योंकि अब वो महकमे का जो सरबराह है उसको अदालत हर बयान हल्फी भी मांग सकती है कि डॉक्यूमेंट अगर पेश किया जाता है तो अमूर ममलकत से मुतलका जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो इन्फ्रिंज हो जाएगा, तो उसके ऊपर वो बयान हल्फी लेने की बजाय उसको हल्फन बयान देने के लिए अदालत भी तलब कर सकती है, और ना ही वो सरबराह को, ना ही वो कह सकती है कि वो डॉक्यूमेंट लेके आए, अगर वो लेके आता है तो उसको वो मुआयना नहीं कर सकती है, और कोई ऐसा सवाल नहीं पूछ सकती जिससे, और सवाल तो पूछ सकती है लेकिन कोई ऐसा सवाल नहीं पूछ सकती उस डॉक्यूमेंट से मुतलका, उस डॉक्यूमेंट में लिखा क्या है, क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट की कोई चीज़ भी अगर एक्सपोज हो जाती है, फ़र्ज करें कोई भी चीज़ सामने आ जाती है, देन ये बात जो है वो खुल के सामने आ जाएगी और पब्लिक इंटरेस्ट को, अवाम नास को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और पब्लिक पॉलिसी के तहत मुतलका महकमे के जो आला अफसर हैं उनकी तहरीरी इजाज़त के बग़ैर ममलकत के जो अनपब्लिश्ड सरकारी रिकॉर्ड है उसको शहादत पेश करने से रोका गया है आर्टिकल 6 के अंदर, और अदालत सरकारी अफसर का जो फैसला होगा इस हवाले से इस्तेहकाक को इस्तेमाल करने का कि ये डॉक्यूमेंट जो है कतई सूरत अदालत में पेश नहीं एज एविडेंस किया जा सकता, उसको बिला तकरार तस्लीम करने की पाबंद है। अलबत्ता बयान हल्फी ले सकती है, उसका हल्फिया बयान ले सकती है। किसी भी खुफिया सरकारी दस्तावेज की अदम जो पेश करने का जो जवाब है उसके लिए सिर्फ इतनी ही वजह काफ़ी है कि उसका पेश करना पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, मुल्क की पॉलिसी का इंकशाफ हो सकता है, किसी दूसरे मुल्क के अंदर सफारती ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि मुल्क के अंदर खाना जंगी का खदशा हो सकता है। और आर्टिकल 6 के अंदर जो एविडेंस है एज टू अफेयर ऑफ द स्टेट के हवाले से, तो शहादत जो है उससे मुराद जबानी और तहरीरी दोनों किस्म की शहादत इससे मुराद ली जा सकती है। और आर्टिकल 6 जो है कानून शहादत आर्डर 1984 का मकसद बुनियादी तौर पर सरकारी रिकॉर्ड की हिफाजत करना जो कि पब्लिश नहीं किया गया, और ऐसा सरकारी रिकॉर्ड अगर मंजरेआम पर आ जाता है तो पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान होगा, ठीक है जी। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सीक्रेट रिकॉर्ड का दर्जा ही हासिल कर सके, कोई भी रिकॉर्ड जो पब्लिक इंटरेस्ट के, जिसका सामने आना पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो, वो अदालत में जो उस महकमे का जो आला अफसर है वो बयान दे सकता है, बयान हल्फी भिजवा सकता है, या किसी अपनी तरफ से सबऑर्डिनेट ऑफिसर को वो सर्टिफिकेट दे के भिजवा सकता है कि वो ये डॉक्यूमेंट जो है ये अदालत में अगर पेश किया जाता है तो इससे पब्लिक इंटरेस्ट इन्फ्रिंज होंगे, और अदालत मानो उसको तस्लीम करेगी उनके बयान हल्फी को,
अलबत्ता उनको बुला के चंद एक सवाल भी पूछ सकती है, हल्फन बयान भी ले सकती है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है ये सवाल नहीं कर सकती। वो डॉक्यूमेंट की कोई भी बात जो है एक्सपोज नहीं की जा सकती। और बास महकमे के आला अफसर के कहने से कोई दस्तावेज जो है वो रायती इस्तेहकाक जो है वो हासिल नहीं कर लेती। इस बात का फैसला कि आया कोई दस्तावेज ऐसी है जिसका मंजर आम पर आना वफाद आमा के खिलाफ जाता है, ये बात मतलका जो महकमा है उसका आला तरीन अफसर करेगा और इसका वो सर्टिफिकेट भी जारी करेगा, उसका बयान हल्फी भी वो देगा और ऐसा सर्टिफिकेट फिर अदालत में आएगा और अदालत फैसला करेगी कि आया जो इस्तेहकाक मांगा गया है या जो इस्तेहकाक का हक इस्तेमाल किया जा रहा है आया वो दुरुस्त भी है या नहीं है। अब बात है स्टेट अफेयर्स की, अफेयर्स ऑफ द स्टेट की। अब अमूरे ममलकत जो है तमाम ममलकत के मुतालिक तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम जो वर्बल बयानात हैं, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाती है वो बात उसका एक्सपोज करना तो आर्टिकल 6 उसको सेफ गार्ड फ्राहम कर रहा है। और पब्लिक नवीयत का कोई ऐसा भी मामला हो सकता है जिसके साथ गवर्नमेंट का या अमूरे ममलकत का कोई ताल्लुक हो, उसका राज अगर सामने आ जाता है तो मुल्क में इंतशार फैलने का खदशा हो सकता है। अलबत्ता याद रखिएगा आर्टिकल 6 के हवाले से कि इस इस्तेहकाक को किस हद तक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इस हवाले से आर्टिकल 6 वाज़े कर रहा है कि खुद जो आला तरीन महकमे का आला तरीन सरकारी अफसर है वो इस बात का मुंसफ है कि आया किसी दस्तावेज का एविडेंस में पेश करना पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है या नहीं है। और जो वो बात कर देगा, जो भी बात कर लेगा उसको हतमी तसव्वुर किया जाएगा, उसको हतमी तसव्वुर किया जाएगा और हतमी तसव्वुर होगा। अलबत्ता उसको अदालत में अपना बयान और अपना सर्टिफिकेट देना होगा और उस हवाले से अदालत देखेगी कि उसका इस्तेहकाक किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक जो है यह मामला सामने लाया जा सकता है। तो दोस्तों ये चंद बातें थी आर्टिकल 6 कानून शहादत जो कि एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ द स्टेट से मुतलका है, अमूर ममलकत के मुतलका जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो बयानात हैं क्या उनको एक एविडेंस में एक अदालत में पेश किया जा सकता है या नहीं। मैंने कहा अपने दोस्तों से शेयर करनी चाहिए ये बात। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।